हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद टीमन। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, सरकार और लोक कल्याण। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन 1 है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो यह है संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 21A। तो उसके तहत हमें यह मिलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ये भी आपको याद रखना है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिक्षा में पिछले उपखंडों में सरकार ने कौन सी संस्थाएं संचालित की है? शिक्षा में जो भी पिछड़े उपखंड है, पिछड़े क्षेत्र जो हैं, वहां सरकार ने कौन सी संस्थाएं संचालित की हैं? तो देखिए, याद रखना है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, जो आपको अपने क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, 6 से 12 तक की कक्षाएं यहाँ कराई जाती हैं, शारदा बालिका छात्रावास, जो कि 9 से 12 कक्षा के लिए चलाई गई है। और यह सरकार ने क्यों चलाई है? शिक्षा के पिछड़े उपखंडों में जहां पर एजुकेशन की इन्हें कमी दिखाई दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किस प्रणाली से सस्ती दर पर गेहूं, चीनी आदि खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है? तो ये हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके लिए सरकार गेहूं, चीनी जैसी खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो देखिए, हमें याद नहीं रहता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसका आंसर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना। देखिए, आंसर जो है वो आपको बहुत इजी लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब ये आ जाते हैं ऑप्शन के साथ, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन इतने प्यारे प्यारे देता है कि हमें सभी राइट लगते हैं। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर ही याद रखना है, जिससे कि ऑप्शन कोई भी आ जाए, हमें तो इसका आंसर आता है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना, इसके तहत रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं राजस्थान में। किसी योजना के तहत माता व शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? तो माता और शिशुओं के लिए जो सेवाएं हैं वो है जननी व शिशु सुरक्षा, ठीक है, याद रखने में आसानी होगी, माता यानी कि जननी और शिशुओं यानी कि शिशु सुरक्षा, तो बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ग्रामीण परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं कौन सी हैं? ग्रामीण परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं कौन सी हैं? तो यह है मुख्यमंत्री आवास योजना, हम आए दिन न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ते हैं। तो यह है ग्रामीण परिवारों के लिए है इंदिरा आवास योजना, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 है, शहरी परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री जन आवास योजना। देखिए, अब कंफ्यूजन कैसा होता है, जब हमने ग्रामीण परिवारों में आवास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं देखी थी, तो वहां पर आंसर क्या था? तो वहां पर आंसर था मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना। जब हमने शहरी परिवारों की बात की तो वहां है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। तो किन्हीं एक को आप याद रख लेंगे तो दूसरा जो है आंसर वो आपको याद हो जाएगा। तो आप चाहे शहरी परिवार वाला याद रख लें या फिर ग्रामीण परिवार वाला याद रख लें। नेक्स्ट है, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की मांग को किस योजना के तहत पूरा कर रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में
जो भी अकुशल श्रमिक हैं, जो कुशल नहीं हैं, उन्हें रोजगार की मांग के लिए किस योजना के तहत ये पूरा किया जा रहा है? तो सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक हैं, इनको रोजगार की मांग पूरा करवा रही है, जिसे हम नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना भी कहते हैं इसे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है? तो सरकार गारंटी देती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 150 दिन के लिए रोजगार जो है वो दिया जाएगा। तो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 250 या 200 या 350 दिन ऐसे आ जाएगा, तो याद नहीं रख पाएंगे। याद रखना है 150 डेज। क्वेश्चन 11 है, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत यदि रोजगार उपलब्ध ना हो पाए तो कितने दिनों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? अब संख्या अधिक होने की वजह से किसी कारणवश नहीं दे पा रही है उस वक्त सरकार उन बेरोजगारों को, तो उसके लिए सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, तो वह 15 दिनों में ही बेरोजगारी भत्ता उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया किसे बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है? अब कईयों को तो इसका आंसर शायद नहीं भी पता होगा, और बहुत इसका आंसर जानते भी होंगे कि जो भामाशाह योजना चली है, भामाशाह कार्ड, तो वहां पर परिवार का मुखिया है वो किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है, परिवार का मुखिया जो है वो महिला को बनाया गया है, जो भी महिला है उसे ही हेड बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो यह अभियान है डिजिटल इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान में और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार कब बना? राजस्थान में कब बना सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय स्तर पर कब बना सूचना का अधिकार? तो आंसर है कि राजस्थान में सूचना का अधिकार जो है वह बना 2000 में, और नेशनल लेवल पर कब बना? 2005 में। उसके बाद है क्वेश्चन 15, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 क्या है? तो इसका आंसर है, इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि ऊर्जा है, पुलिस है, चिकित्सा है, यातायात है, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग। किसके अंतर्गत? राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत। तो देखिए, क्लास जो है वो आपकी 7th क्लास चल रही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिले हैं। किस अधिनियम के द्वारा अगस्त 2012 से पूरे राज्य में आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के निवारण के लिए अधिनियम बना? तो जो 2012 में ये अधिनियम बना, यह बना राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, जिसमें कि आम जनता की शिकायत और समस्याओं का निवारण किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, न्यूनतम जीवन स्तर से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम जीवन स्तर का अर्थ है जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आवश्यकताओं का वह न्यूनतम स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए वांछित हो। यानी ये चीजें जो है जितनी एक सामान्य जीवन के लिए हो सकती हैं, उतनी तो मनुष्य को मिले, तो यही है न्यूनतम जीवन स्तर। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आवश्यकताएं का वह न्यूनतम स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, एक कल्याणकारी राज्य कौन सा होगा? तो आंसर है, वह सरकार जो नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सभी सुविधाएं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा ये उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है, तो वही एक राज्य कैसा है? कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 जो है वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।